आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों लीजिए, आठ बज चुके हैं और हम यानी आरजे सैफ हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। दोस्तों कल का दिन हमारे लिए बहुत ही तकलीफ भरा रहा। आप जानते हैं हमारे साथी जावेद आबिदी साहब इस कूचे फानी से रुखसत हुए और उनकी इस रुखसती पर हमने उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश किया। बहुत तकलीफ होती है जब कोई अपना साथी, अपने साथ काम करने वाला ईमानदार इंसान हमसे बिछड़ जाता है। इसका बहुत गहरा तजुर्बा हमें है। आप जानते हैं कि हमने जो कुछ खोया है, और हम सभी खोते रहते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर। तो अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गम से उभरें और कुछ ऐसी बात करें जिससे मन दिल थोड़ा सा हल्का हो। तो आज हमने तय किया कि आज पूरे घंटे यानी पूरे शो में हम आपके साथ कॉमेडी से जुड़े हुए सॉन्ग पेश करेंगे, सुनवाएंगे आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं शो की। और आप भी इस शो में अगर शामिल होना चाहें और अपनी पसंद का कोई कॉमेडी सॉन्ग सुनना चाहें तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आइए चलते हैं अपनी पड़ोसन की तरफ। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार, बरता एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों गोरी ध्यान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। तज्जम तकज्जम तकनम तकदम तत्संगित दक्षिण तत्तज्जम तकज्जम तकनम तकदम तत्संगित दक्षिण तत्तज्जरि तदल तज्जनु तदलु तज्जिमि तदिमि तज्जनु तत्त तरित दनत चलु तज्जिमि तत्तज्जनु तत्तम तत्तम तत्तज्जनु तत्तम। क्या बो धन चीर भी चक्कर पड़, क्या बो धन चीर भी चक्कर, खाले बो तुझे कहते कुछ कर, खाले बो तुझे कहते कुछ कर, छीत के तोड़ मन मत कर, छीत के तोड़ मन मत कर, सब चले गए सब चले गए, छीता गुड़ छीतेंगे जारे जारे कारे कागा का 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 क्यों शोर मचाए उस नारी का, दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए, काला रे जारे जारे
खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे गारे जरा बड़ा जी गारे गारे ये सूर बदल गया गारे गारे ये हमको बटका गया गारे गारे ये सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है तो मेरे मन के द्वार ये भूसत जात हम मदत जात अरे ए चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिस तंग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन चंदनिया बार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई अरे देखी तेरी चतुराई तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े घोड़ा बोला नी घोड़े देखी तेरी चतुराई घोड़े देखी तेरी चतुराई घोड़े देखी तेरी चतुरनार चतुरनार अरे घोड़े तेरे एक चतुरनार अयो घोड़े तेरे एक चतुरनार अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रे घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये भूसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात ये भूसत जात हम हंसत जात हम मरत जात मरत जात मरत जात इन तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो 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 खींच मेरी फोटो आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे बोलती तस्वीरें शो के साथ कीप लिसनिंग रेडियो डॉन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ दोस्तों
हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये गीत जरूर पसंद आया होगा, उसने गम को कुछ जरूर कम किया होगा, वो गम जो जावेद आबिदी की रुखसती से हमें हासिल हुआ था। तो फिलहाल हमारे साथ एक लिस्नर हैं, हम चलते हैं अब उनकी तरफ। नमस्कार सैफ साहब और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मणनगर दिल्ली से हमेशा की तरह आपका दोस्त अमित भट्ट इस वक्त आपसे मुखातिब हूं। जी नमस्कार जी, फरमाइए कैसे हैं आप? जी हम खैरियत हैं, बहुत बढ़िया। और आज एक बिल्कुल डिफरेंट टमेंट है आपके प्रोग्राम का, कॉमिक सॉन्ग्स को आप प्ले कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये चेंजेस होते रहने चाहिए, मॉडिफिकेशंस और नए नए डायमेंशंस जो आप अपने प्रोग्राम में लाते हैं वो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के सौंदर्य को बढ़ाते हैं और श्रोता और कार्यक्रम के बीच की जो दूरी होती है वो एक प्रेजेंटर होता है और वो दूरी की जो एक अपनी भूमिका है वो आप बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं साहब भाई, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मुबारकबाद का, और हम भी आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि अभी चंद दिनों की दूरी के बाद हम समझते हैं कि आपका शो, एक बहुत ही खूबसूरत शो जो समस्याओं पर आधारित लेकर आ रहे हैं, वो शो जरा बता सकेंगे कि कब तक हम तक पहुंचेगा, कब हम सुन सकेंगे? बेहद शुक्रिया कि ये अपने इस प्रोग्राम के जरिए आप तमाम जो इस वक्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हमारे सामीन हमको इस वक्त सुन रहे हैं तो आपने मुझे मौका दिया। मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि आगामी 4 अप्रैल 2018 से प्रोग्राम होगा ओनली फॉर ब्रोकन हार्ट्स। और ओनली फॉर ब्रोकन हार्ट्स दरअसल जैसा कि हमने पूर्व में भी इस कार्यक्रम के मुतालिक थोड़ा बहुत बातचीत की है आपके ही शो के माध्यम से, उसमें आजकल आप देखेंगे कि आजकल की बात नहीं है, ये पुराने समय से जो है कहीं ना कहीं इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में दुखी होता है, परेशान होता है, हताश होता है, डिसहार्टेंट होता है और कहीं ना कहीं उसका हृदय जो है वो टूटता है, उसका मन विचलित होता है, तो मन टूटता है उसका। ऐसे लोगों के लिए जो लोग डिप्रेस्ड हैं और जिनको लगता है कि जीवन दरअसल जिया कैसे जाए, चाहे वो प्यार मोहब्बत की बात हो, इश्क की बात हो, कई बार प्यार मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा हमारे तमाम जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हमारे अभिभावक हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, है ना, तो स्कूल है, कॉलेजेस हैं जहां हमारा रोजगार होता है, कार्यालय हैं, समाज के किसी भी क्षेत्र में कई बार हम लोगों को थोड़ा सा शिकस्त से दो चार होना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से जीवन में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा लम्हा आता है जब हम दुखी होते हैं। तो अगर हमारे श्रोताओं में से किसी के पास इस तरह का एक ऐसा बिटर एक्सपीरियंस हो वो जरूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओनली फॉर ब्रोकन हार्ट जो प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूं उनके खिदमत में रेडियो उड़ान के जरिए, उसमें वो अपने आप को जरूर शरीक करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। और किसी के भी माध्यम से, जैसे आपके शो में कोई लोग आते हैं तो वो आपको भी अगर वो कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो मुझ तक पहुंचेगी बेशक। बाकी हमारी जो ईमेल आईडी है mail@radioudan.com, उसके जरिए आप ओनली फॉर ब्रोकन हार्ट तक पहुंच सकते हैं। मैं उनसे टेलीफोन पर, स्काइप पर या अगर संभव हो तो सीधे मिलकर के बात करूंगा, उनकी आवाज रिकॉर्ड करूंगा और उनकी जो समस्या होगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसका सलूशन देने की हम अपने इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। ये एक बहुत सेंसिटिव प्रोग्राम है, अलग प्रोग्राम है, बिल्कुल थोड़ा सा सीरियस टाइप का इसका टेम्परामेंट होगा, तो बिल्कुल जो सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं उनके लिए हम कोशिश हमारी होगी बेशुमार प्रोग्राम पेश करें। इन्फॉर्मेशन और चाहेंगे कि आपने ये तो बता दिया, आपने प्रोग्राम की तफसील बता दी किस तरह का प्रोग्राम होगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया गया कि हमारे श्रोता उस शो को किस वक्त सुने, कितने बजे सुने? जी 4 अप्रैल से सुनेंगे रात को 10 बजे यानी कि हर बुधवार रात 10 से 11 और इसका पुनः प्रसारण अगले दिन यानी कि वीरवार शाम 5 से 6 के दौरान किया जाएगा आपके अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। और जो लोग तपन रेडियो एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, अन्यथा तो तमाम जो हमारे लिस्टर्स हैं वो रेडियो उड़ान की जो अपनी एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉइड हो, उस पर उसको इंस्टॉल करके उसका लुत्फ उठा सकते हैं प्रोग्राम का। और तमाम सामीन से मेरी रिक्वेस्ट है सैफ भाई कि वो
ओनली फॉर ब्रोकन हार्ट के मुतालिक ये जो हमारा जो प्रचार प्रसार है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकें और हमारे इस प्रोग्राम में जो हम सॉल्यूशंस देंगे उसका बेनिफिट उठा सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तमाम लिसनर्स बहुत जोरदार कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। अब ये बताइए कि आप इस शो में आए हैं तो हम आपकी खिदमत में आज क्या पेश करें। जी अब सीरियस टॉपिक से हम आ जाते हैं भाई, कॉमिक आपका है तो रफी साहब ने एक बहुत अच्छा गाना गाया है जो कि जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया है, तो सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। रफी साहब के बारे में तो आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा उनका फैन हूँ, चाहे वो सीरियस गाने रहे हों, चाहे वो भजन रहे हों, कव्वाली रही हो, कुछ हद तक गजल रही हो, और फिर इस तरह के जो चटपटे गाने हैं, कॉमिक गाने हैं, कुछ भी रहे हो, रफी साहब ने हर गाने के साथ बड़ा न्याय किया है। और आज भी मैं मोहम्मद रफी साहब को याद करते हुए उन्हीं का गाना सुनना चाहूंगा। ये बेशक तो पेश करते हैं, पेश खिदमत है आपके का ये पसंदीदा फिल्म प्यासा 1957 का ये गीत। माले तेल माले जपे सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। This world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy.
आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये गीत सुनकर तरोताजगी महसूस हुई होगी और आपका सर की जो तकलीफें थी, सर का जो भारीपन था, वो जरूर दुरुस्त हो गया होगा। और अभी हमारे साथ और लिसनर्स जुड़ रहे हैं, देखते हैं कौन है, चलते हैं उनकी तरफ। जी, हमारे साथ हैं राजीव भाई। राजीव भाई, आपका स्वागत है अंदाज अपना अपना के इस खूबसूरत शो में। नमस्कार सैफ साहब और सभी सुनने वालों को, राजीव भामरी का नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज राजीव भाई, कल की ट्रेजेडी के बाद, दुख भरे माहौल के बाद, हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ मन को हल्का किया जाए, कुछ हंसने हंसाने की बात की जाए, क्योंकि गम कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जाते हैं। तो इसलिए हमने ये तय किया कि आज का शो हम एक कॉमिक शो करेंगे, कॉमेडी सॉन्ग्स पर बेस्ड। इसलिए हमने आपको तकलीफ दी, आप बताइए कि आप क्या सुनना पसंद करें। जी सैफ साहब, कल की जो घटना थी बड़ी दुखद थी, लेकिन जिंदगी में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। जैसे कि राज कपूर जी कहा करते थे, द शो मस्ट गो ऑन। जी, सो लाइफ हैज टू गो ऑन एंड वी हैव एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। और जो आप शो कर रहे हैं, वाकई में आप अच्छा शो हो रहा है कि आप लोगों को गुदगुदा रहे हैं, थोड़ा वातावरण को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक बेताज निर्देशक थे जो कि मिडल ऑफ द सिनेमा के बादशाह माने जाते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि अगर हम 1970s को देखें, जब अमिताभ बच्चन लार्जर देन लाइफ अपनी पिक्चरें कर रहे थे, यश चोपड़ा के साथ, मनमोहन देसाई के साथ और प्रकाश मेहरा के साथ, और वहीं उसी के बीच में कुछ पिक्चरें ऐसी भी आती थी जो मिडल ऑफ द रोड सिनेमा कही जाती हैं, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा बनाई गई, जहाँ पे अमिताभ ऐसे लगते थे जैसे कि आपके पड़ोसी हो और वो कहानी आपके घर के आसपास के किसी पड़ोस की कहानी हो, ऐसे दिल को छूती थी और ऐसे मार्मिक कहानियां होती थी कि आप ऋषिकेश मुखर्जी की कोई भी मूवी उठा लीजिए, चाहे आप अनाड़ी, असली नकली, चाहे सत्यकाम, अनुपमा और बावर्ची, नवाखराम, आनंद और कितनी है, चोरी चुपके चुपके, सॉरी, गोलमाल, बेमिसाल और मिली, अभिमान, इनको आप देखिए कि आप कितनी प्यारी मूवी बनाई है, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और इसी एक फिल्म सीरीज में से दो कॉमेडी फिल्म भी बनाई थी उन्होंने, जो कि गोलमाल और चुपके चुपके। आप इन दोनों मूवीज को हजारों बार देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आ रही होती है तो फिर मन करता है यार एक बार इन दो मूवीज को फिर से देखा जाए। तो आज के इस माहौल में ही मैं सुनना चाहूंगा फिल्म चुपके चुपके के एक गाना। आप उसको अगर सुनेंगे तो लगेगा कि ऐसा ये हास्यप्रद गाना नहीं है, इसमें सीरियस टाइप भी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका वीडियो देखें तो इस वीडियो में जो है तीन कैरेक्टर दिखाए गए हैं, अमिताभ, धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। और दोनों अमिताभ और धर्मेंद्र एक ही प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, व्हाइट रंग का कुर्ता पजामा और ऊपर से हाफ जैकेट, और ये दोनों गाना गा रहे हैं। और वीडियो इतना हास्यप्रद है कि शर्मिला टैगोर जो बैठी है इसमें, एक पलंग पे बैठी है इस वीडियो में, और वो बस हंसते हंसते लोटपोट हो रही है इनकी हरकतें देख देख के। वो गाना सैफ साहब है, रफी और किशोर कुमार का गाया हुआ, सारे गामा। जी जी, बेशक, बहुत खूबसूरत गीत है। और राजीव भाई, आप जब भी हमारे यहाँ आते हैं, इन्फॉर्मेटिव एटमॉस्फेयर पैदा कर देते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है, और हम इसलिए जान जान के आपको बार बार तकलीफ देते हैं, प्रोवोक करते हैं आपको कि आप कुछ ना कुछ कहें, और आप उस प्रोवोकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। और अब हम पेश करते हैं आपकी पसंद का ये गीत, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। धन्यवाद सैफ साहब और बेस्ट ऑफ लक आपको शो के लिए। थैंक यू सर। चल शुरू हो जा। सा
बस बस सापे रुक गया आगे बढ़ रे हा? रे के आगे क्या है अरे वाह 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 वा, क्या गले में तासीर है ये बात है तो चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे सारे गा मा मा सारे गा वाह वाह गा सारे मा मा गा रे सा सारे गा मा मा सारे गा गा सारे मा मा गा रे सा पा दा पा मा मा पा मा गा रे पा मा गा मा गा रे सा सारे गा मा मा सारे गा गा सारे मा मा गा रे सा पहले बना था या बनी थी ये सरगम गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम एक ही साथ हुआ था दो दिलों का ये संगम प्यार का ये तराना जमाना सुन ले सारे One, two, three, four. Sare ga ma ma, sare ga ga, sare ma ma ga re sa. Jaise dil milte hain. सुर मिलते हैं जैसे दिल मिलते हैं वैसे सुर मिलते हैं फूल तब गीतों के होंठों पे खिलते हैं तुम तनाना दिन तनाना जमाना सुन ले सारे गामा वन टू थ्री फोर सारे गामा मा सारे गा गा सारे मा मा गा रे सा सारे गामा मा सारे गा गा सारे मा मा गा रे सा 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 हाय अमित दिस इज अंजलि एक्चुअली मैं किसी से प्यार करती थी लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया बेकदर बेवफा उसने मेरा दिल तोड़ दिया उसे भूल जाओ कोई अल्टरनेटिव कोई विकल्प या कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास आपकी रूह को छू जाने वाला प्रोग्राम ओनली फॉर ब्रोकन हार्ट्स आपके हम सफर अमित भट्ट के साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे कॉल कीजिए इन नंबर्स पर 9560175887 और ईमेल कीजिए mail@radiodon.com पर ओनली फॉर ब्रोकन हार्ट्स ओ दिल तोड़ के ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ दोस्तों हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके कि आप इस प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं और लगातार आपकी आमद यानी आपकी जो लाइव पार्टिसिपेशन इस शो में वो बढ़ रही है और अब हम चलेंगे अपने एक ऐसे दोस्त की तरफ जो कि फिर दिल्ली से हैं इत्तेफाक की बात है कि लगातार हमारे लिसनर्स दिल्ली से आ रहे हैं अब देखते हैं इसके बाद इस लिसनर के बाद कौन और कहां से होगा
आइए पहले हम कोशिश करते हैं चलें इस प्रश्न की तरफ। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अंसारी है और मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपका रेडियो उड़ान का अंदाज अपना अपना और सामने के जल जब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा सुनता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अभी आपका मंडे को 8 से 9 का जो टाइमिंग है ये तो बहुत अच्छी टाइमिंग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे और बढ़ाया जाए, किसी दिन एकाध दिन और बढ़ाया जाए। और मैं 35 ईयर्स पहले एक फिल्म देखा था मासूम, जो जिसका गाना था लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, तो मेरा दरख्वास्त है कि मेरी फरमाइश के ऊपर ये गाना जो है सुनाया जाए। बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश का एहतराम करते हैं। और यूसुफ भाई आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए पेश है आपका पसंदीदा मासूम फिल्म से ये गीत। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। Take it.
मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ, आप हमारा साथ दे रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तमाम आपके हुक्म जो आप हमें दे रहे हैं, आपके जो काम हैं उन पर अमल करते चले जाएं। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम आपकी फरमाइशों को आप तक पेश पहुंचाते हैं। तो अभी एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम अब उनकी तरफ चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो कौन है और कहाँ से है। नमस्कार जी। नमस्कार। फैजाबाद के पास टांडा से, एनटीपीसी टांडा से रतिका महंतो बोल रहा हूँ जी। कैसा लग रहा है आपको, कैसे हैं आप? प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है, क्योंकि कल जो घटना हुई थी वो प्रोग्राम में भी पूरा सुनना था, और आज बीबीसी लंदन का जी टोकी वो रहा था जी साहब जी, मतलब सोशल। रजिकांत जी आपकी आवाज कुछ कट रही है, आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब्ड है। भरपाई तो हो नहीं जी। आप बताएं कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे। रजिकांत जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है जी। अब पहुंच रही है जी। जी बताएं। हाँ सर, तो एक गाना मुझे सुनना था जी। वो गाना है मैं बंगाली छोकरा तेरे प्यार को करूँ नमस्कारम, मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत अच्छी कंपोजिशन है, और रागिनी फिल्म से है ये। रागिनी फिल्म अच्छी। ये दो तीन बार मैंने सुना, दो बार विविध भारती में, एक बार रेडियो उड़ान पे। तो ये गाना जब कॉमेडी शो सुना मैंने, मुझे दिमाग में तुरंत आया कि ये गाना फरमाइश करना चाहिए। बहुत अच्छा किया। देखिए हम इस बात के लिए आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपको हम पर इतना भरोसा है कि आप फरमाइश करेंगे और यहाँ आपको गाना सुनने को मिल जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है रतिकांत जी, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और यकीन मानिए आपकी आपकी फरमाइश को पूरा करने के लिए हमें चाहे जहाँ मर्जी भटकना पड़े, जितनी मर्जी तकलीफें उठानी पड़े, उसमें हमें बड़ी ही खुशी होती है। चलिए थैंक यू सर, आपका मेहनत को हम जो है सलाम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आइए पेश करते हैं आपका पसंदीदा ये बंगाली और मद्रासी गीत। छोकरा करू प्यार को नमस्कारम, मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। छोटी रे। मैं बंगाली छोकरा करू प्यार को नमस्कारम, मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल,
লুচির ওপর পড়ে ডাল লক্ষ্মী নাচে তালে তালে খায় শুধু মাছি ঝাল খায় গো শুধু খায় গো আমরে বাংলাদেশ মে হর গোরি কে লম্বে বল আজ তো হর বাজার মে সাইয়া মিলতা নকলি মাল করুঙ্গি তেরে বাসতে তোলা সিঙ্গারম মরে যাই মরে যাই মে মদরাতি ছোকরি মুঝে তুমসে প্যারম मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम तुम जो सुनो बंगाली गाना मुनवा जाए झूम सोखी गो করে পাব তুম তো শুনো বাঙালি গানা মনুয়া যায় ধুম তেরনা তেরনা দিতনা তেরনা মেদে বাঁকে নাচ কে সাইয়া মচে রুস মে ধুম ওরে বাবা মে হুম পায়ল সাজনা ওর তু ঢংকারম মে মদরাসি ছোকরি মুঝে তুমসে প্যারম মে বাঙালি ছোকরা করু প্যার কো নমস্কারম मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम सच पूछो तो मेरे दिल में प्यार इल्ले इल्ले ओ बंगाली मेरा हो जा कहती है मिस चिल्ले सच पूछो तो मेरे दिल में प्यार इल्ले इल्ले ओ बंगाली पप्पी तुझे पुकारती गंगोली यारम की बोले रे मेरा हो जा साजना फिर बेड़ा पारम मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम मेरा टावल कहां पर पड़ा हुआ है महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं यार तू 24 घंटे डेली पढ़ता रहता है कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है हमको नहीं मजा मुझा आता ब्रेल से यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ शिट ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा लाइट चली गई है उफ अब मैं कैसे पढूं काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप इस शो में हमारे साथ बने हुए हैं और अपनी फरमाइशें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं लाइव कॉल्स के जरिए बुरा मत मान इतना हौसला अच्छा नहीं लगता बुरा मत मान इतना हौसला अच्छा नहीं लगता तेरे मुंह से अभी जिक्र वफा अच्छा नहीं लगता हमेशा खुश नहीं रह सकते ये हम भी समझते हैं हमेशा खुश नहीं रह सकते ये हम भी समझते हैं हर एक महफिल में मुंह लटका हुआ अच्छा नहीं लगता दोस्तों जिंदगी में बहुत जरूरी है खुश रहना
आज के दौर की जिंदगी टेंशन भरी है, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को इस रंग में ढालना, लेकिन हर वो काम जो आसान हो उसे करना भी आसान होता है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है वो काम जो कि आम तौर पे नहीं किया जाता। बहुत आसान है आज के दौर में रोना, गम उठाना, लेकिन खुश रहना, हंसना, ये बहुत मुश्किल है। और हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग ये मुश्किल काम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें इसको, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और आपका दिल भी ठीक रहे। चलिए अब चलते हैं खूबसूरत चिलमन की तरफ, जिस चिलमन से चोट लगती है किसी को, और कितनी चोट लगती है और कैसी चोट लगती है ये सर वही जानते हैं। आइए चलते हैं चिलमन की तरफ। अरे किसने चिलमन से मारा, हाय किसने चिलमन से मारा, अरे नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा, नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा। बिखेरे बाल जब वो, बिखेरे बाल जब वो, बिखेरे बाल जब वो आसमानों पर घटा झूमे, चले जब, चले जब, हाय चले जब नाज से जालिम, कयामत भी कदम चूमे, कयामत भी कदम चूमे। चमकत लटकत जाए, चमकत लटकत जाए, चमकत लटकत जाए, फिर ना देखा, फिर ना देखा, ना देखा, ना देखा, ना देखा, अरे फिर ना देखा पलट के दोबारा, मुझे फिर ना देखा पलट के दोबारा, मुझे कितने चिलमन से, हाय कितने चिलमन से मारा। सीने में दिल है, दिल में दाग, दागों में सोजो साद इश्क, सीने में दिल है अहबा, सीने में दिल है, दिल में दाग, कागों में सो दो साद इश्क, पर्दा पर्दा है पिन्हा, पर्दा नशी का राज इश्क, पर्दा पर्दा अहबा, पर्दा पर्दा वाह वाह, पर्दा पर्दा अरे मौला, पर्दा पर्दा है पिन्हा, पर्दा नशी का राज इश्क, जतन मिलन का कब करूं नाम पता जब हो, एक झलक दिखला के कर गई पागल मोए, कर गई पागल मोए, कर गई पागल मोए, कर गई पागल मोए, मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे दिल, अरे मेरे दिल ने तड़प कर, हाय मेरे दिल ने तड़प कर, अरे पुकारा मुझे मेरे दिल ने तड़प कर, मेरे दिल ने तड़प कर पुकारा मुझे कितने, अरे कितने, 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 बता दे भैया कितने चिलमन से मारा, नजारा मुझे कितने चिलमन से मारा, नजारा मुझे कितने
तूने दिल मन से मारा। क्या सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं। शामिक आई एम सॉरी वापस जाते हैं अंदाज अपना अपना की इस महफिल में। देखिए शामिक अगर इतना छाया रहता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कब क्या कहें, क्योंकि शोज हैं आपकी, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, तो हम ये तय नहीं कर पाते कि हम आपकी मोहब्बत को क्या नाम दें, किस शो का नाम लें। तो अब दोस्तों हम अपने प्रोग्राम के तकरीबन इख्तिताम की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और अब हम चलते हैं एक ऐसे इंसान की तरफ जो सपनों की दुनिया में जीता है, जो हकीकत में उसके साथ होता है उससे बिल्कुल अलग। ख्वाबों की दुनिया में वो इंसान जीता है और उसे लगता है कि सारी दुनिया उसकी दुश्मन है, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, आइए सुने। ओ थगत राम की बहना, तू बन जा मेरी मैना, अब राज लुटे या ताज लुटे, जब लागे तो से नैना। रामा दुश्मन है जमाना थेंगे से, दुश्मन है जमाना थेंगे से, तेरे दर पे जाने आऊंगा, तुझे बना के रानी लाऊंगा, पर लुट जाए खजाना थेंगे से, लुट जाए खजाना थेंगे से, दुश्मन है जमाना थेंगे से। के बच्चे मुझको नौकर बोला था, अब बोल तुझे एक हंटर दूं या मारूं डोला का। रोए जो तेला भाई ओ मिली मैना, रोने भी दे मुझसे हो गई भाई, मिली ही सेना होने भी दे, है पुलाना थेंगे से, थंटर है पुलाना थेंगे से, दुश्मन है जमाना थेंगे से। ऐसा वैसा नहीं सनम, मैं सुल्तान हूँ नामी, ये सब तो खाकर नमक मेरा करते हैं नमक हरामी, नमक हराम।
होगी ना अपनी हार सनम, हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा प्यार सनम। शकल का मैं हो जाऊंगा, अरे बन जाऊं सनाना ठेंगे से, बन जाऊं सनाना ठेंगे से। हाँ हाँ सनाना ओ हो सनाना, हाँ हाँ सनाना ओ हो सनाना ठेंगे से, अरे हाँ हाँ सनाना ठेंगे से। मेरे साथ कोई भी नहीं गा रहा है, अरे सब लोग मेरे साथ गाओ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों आप हमारा वक्त खत्म होता है और हमारा जो शो है बोल से तस्वीरें वो तकरीबन पूरी तरह से तैयार है और अब हम आपको एक टोपी पहनाकर ले चलते हैं बोलती तस्वीरों के बीच में। आज सैफ को इजाजत दीजिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। ऐ मेरी टोपी पलट के आ ना अपने फंटूस को सता, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ ना अपने फंटूस को सता, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ। ऐ मेरी हम जोली तू भी गैर की होली, तू भी दे गई धक्का हा, औरों के संग घूमे इटलाए और झूमे, देखूं मैं भौचक्का। मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी, ऐ मेरी दिल पर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ ना अपने फंटूस को सता, ऐ मेरी दिल पर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ। जिसे अकेली उससे करे अठखेली, राह में रास रचाए मोटा पेट बजाए, गंजे सर को छुपाए छेड़े और छुप जाए। मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी, ऐ मेरी दिल पर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा।
है मेरी टोपी पलट के आ आ ना अपने फंटूस को सता है मेरी दिल पर इधर नजर कर न जा बिछड़ कर न जा न जा है मेरी टोपी पलट के